जालिम को अगर देंगे पैगाम यही देंगे, जब जब बढ़ेगा जुल्म जहरीले जन्म लेंगे। ऐसा जज्बा है जो ड्यूटी से भी आगे निकल गया, अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए भी दुश्मन के मोर्चे को बर्बाद कर दिया। ऐसे वीर सिपाही का सम्मान करते हुए हम उसे सेना मेडल अर्पण करते हैं, कैप्टन जसवंत कुमार। हमारी सारी रेजिमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। क्या सोचा है आगे, क्या करना चाहते हो? जंग तो देख ली सर, अब अमन की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। कितने पैसे हुए?
32.60 रुपए। ये लो। सुनिए भाई साहब, ये मिस्टर ए वी राजदान शांतिनगर बता सकते हैं कहाँ है? जी हाँ, बस ऐसे ही सीधे चले जाइए, वो शांतिनगर का गेट बिल्कुल सामने है। शुक्रिया। अच्छा जी, जख्मी हो गए। डरो नहीं, तुम्हारा स्वाग अभी सही सलामत है। यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं आता, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी रहती है। आप अकेले ही लड़ते रहते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि सबको बचाने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? भाई तुम बोलती रहोगी या मुझे मदद भी करोगी? चलिए आइए। थैंक यू। आइए। थैंक यू साहब। यार अच्छा है, मार भी खाओ ऊपर से हल्दी वाला दूध भी पियो। आप इनके खिलाफ लिखना छोड़ दीजिए, ना मार खाइए ना हल्दी का दूध पीजिए। सुना कुमार साहब, देखो डैडी आपके फोटो बहुत अच्छे। मेरी फोटो लीजिए, देखिए फोटो में भी पट्टी। तू अपने बाप को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन राजदान साहब, ये लोग हैं कौन, चाहते क्या है? पैसा। अपने आप को रक्षा मंडल कहते हैं, लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। माल की हिफाजत चाहिए तो जान दे दो, जान की हिफाजत चाहिए तो माल दे दो। बड़े सीधे लोग हैं बेचारे। ये तो हर बात मजाक में उड़ा देते हैं भाई साहब। कोई मोहल्ला कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां वो लोग अपना हफ्ता वसूल ना करने जाते हों। सारे शहर में ये जहरीली बीमारी फैलती जा रही है। पर ये जुल्म, ये लूटमार, क्या कोई पुलिस कोई कानून नहीं है यहाँ पर? हाँ वो भी है ना, लेकिन उस कानून को सबूत चाहिए, गवाही चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ तो कोई बेवकूफी गवाही दे सकता है। और इत्तफाक से हमारे शहर में कोई बेवकूफ नहीं, सभी अकलमंद है ना बेटे? ये देखो अंकल आपकी फोटो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। अरे गलती हो गई, आपका तो एक ही हाथ है। अरे कोई बात नहीं, हम आपकी गलती को ठीक कर देते हैं। ये देखो, आ, आ, पकड़ो जरा। आ, 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 आ। अब तो ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चलो पप्पू, अंकल को परेशान मत करो, चलो। बहुत प्यारा बच्चा। कर्नल साहब ने लिखा है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, मगर कुमार साहब आपको देखकर लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं। मदद की जरूरत किसे नहीं होती। मैं इस बस्ती में गैरेज खोलना चाहता हूँ जी। कोई ऐसा आदमी है जो मेरा साथ दे और थोड़ा बहुत तजुर्बा भी हो बिजनेस का? तजुर्बे जिसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ऐसा आदमी दूंगा मैं आपको। टैक्सी ड्राइवर है, ग्राहकों को ऐसे फांसता है कि जो ग्राहक कोट पतलून पहनकर आते हैं लंगोटी में वापस जाते हैं। ये तो बड़े काम का आदमी मालूम होता है। हाँ जी, कौन है ये? मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं,
कि जब से तू मिली है ना मेरी सारी दुनिया बदल गई। तेरी आवाज है बांसुरी की तान, तेरी चाल है हवा का झोंका। रात को जब मैं तुझे छूता हूं ना तू बिजली से चमक जाती है। तुझे मेरी कसम अगर तू कहीं दूर चली गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तू अरे ये नाजुक बदन और ये बॉम्बे की गर्मी। तू फिक्र मत कर रानी, मैं तेरे लिए पंखा ले आऊंगा। क्या चमक रही है तू आज? हाँ अयो मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा अबे कहाँ जा रहा हा? तू नहीं चमकी, जो तेरे दिल में चमक रही है। बड़ी तारीफ कर रहा था मेरी। अबे हाँ तेरी नहीं मेरी टैक्सी की कर रहा था। चल 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 मेरा माल वापस कर। ये तुम्हारे पैसे हैं और ये यहाँ जा रहे हैं। अरे ए, अबे ये क्या कर रही है? अरे भैंस उतर जा, मेरी रानी का क्या होगा? हाँ ढूंढ ले और निकाल ले अपने पैसे। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? देख चमकी तो अब अगर मर्द का बच्चा है तो हाथ डाल के निकाल ले। तू यू नहीं मानेगी, चार लौटे नीचे उतर सीधी तरह दे दी कि मैं उल्टा हाथ से निकालूं। एक दूंगा, एक मिनट। बचाओ बचाओ दोस्तों भाइयों शहर के वासियों, जिंदा हाथ तुम्हारे सामने मुझे ये बदमाश छेड़ रहा है, मार रहा है, इज्जत भी लूट रहा है। अरे किधर हो? अरे मेरी खोपड़ी फोड़ दीजिए। लेकिन मेरी बिपता भी सुन लीजिए, ये लड़की चोरनी है, इसने मेरे पैसे चोरी किए हैं। क्यों? अरे तो ढूंढ ले, तलाशी ले ले मेरी। क्यों भाई आप ही बोलिए, मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ ना। बराबर ठीक है। अरे भाई इंसाफ तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हनुमान का भक्त जो हूँ इसे छू नहीं सकता। लेकिन जनता छू सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई मानता ही नहीं, कि जनता का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ होता है। तलाशी आप लोगों को ही लेनी पड़ेगी। हाँ तो भाइयों तलाशी कौन लेगा? हाथ ऊपर करो। हाउसफुल? अरे जाति कहाँ है, जनता से भागकर कोई नहीं जा सकता। अभी पता चलेगा कि माल कहाँ बांध के रखा है। हाँ तो जनाब पहला नंबर आपका, हिम्मत करके आगे बढ़िए। अरे ये ले फूंक क्यों तेरे पैसे पे? अबे है तेरी। अरे देख लूंगी तुझे भी, जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम चमकी है, चमकी याद रखना। नैया दिल में आना रे, क्या हवा मार रहा है बाप। आइए आइए हमारी नई दुकान की ग्राहक नंबर वन। ये गाड़ी का पंखा क्या कीमत होगी इसकी? बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 200 रुपए। अच्छा है, मान दो। सुनिए आज हमारी दुकान का पहला दिन है, इसलिए हम हमारी चीजों को सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। अगर ये पंखा आपको पसंद है तो आप इसे 100 रुपए में ले सकती हैं। ठीक है, देखिए राशन की दुकान के सामने हमारी टैक्सी खड़ी रहती है, नंबर है MMQ 4923, आप उसमें लगा दीजिए। टैक्सी नंबर MMQ 4923। आपका नाम? अरे नाम तो बताया नहीं। बैटरी तू जानते हैं नाम? नहीं बॉस, हम भी नए टायर की तरह बिल्कुल नया है इस बस्ती में। अंकल मैं पुराना हूँ, सबको जानता हूँ। ये है सीमा दीदी, राजू भैया की दीदी। अच्छा राजू भैया के जीजाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया, तब से ये राजू भैया के साथ ही रहती हैं। बहुत अच्छी दीदी है, मुझे रोज चॉकलेट देती है। अंकल आप ही तो अच्छे हैं। समझ गया बैटरी। थैंक यू अंकल। हवा हवा रानी को हाथ लगा था। तेरी तो है। इधर आ इधर आ साला चोर पाली। अरे साला बाप का माल समझ रखा है? चल चल बाहर निकल। अबे ये क्या बदतमीजी है, छोड़। पहले तो चोरी करता उसके ऊपर दादागिरी, तेरी तो। क्या बात है बॉस, एक ही हाथ में सारे स्क्रू ढीले। आपने पंखा लगा दिया? जी नहीं, लगा ही रहा था कि डेंजर लाइट आ गया। हमने स्विच ऑफ कर दिया। राजू 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 कौन? मेरा भाई। ओ आपका भाई? हाँ। सो सॉरी, अभी देख क्या रहा है, पानी लेकर आ। राजू 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 तू ठीक तो है ना? ये आपका भाई है? हाँ मेरा छोटा भाई। अरे 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 राजू राजू
अरे क्या कर रहा है दीदी? वही चोर है जो मैंने टैक्सी में चोरी कर रहा था, दूंगा इसको अभी। क्या कह रहा है? ये तो कैप्टन जसवंत कुमार है, मैंने इनसे कहा था तुम्हारी टैक्सी में पंखा लगा दे। पंखा? पंखा? पंखा। ये परिचय भी खूब रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि मुक्का लात के बाद जो मुलाकात होती है बड़ी पक्की होती है। पानी? ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल। हाँ हवा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे मार दिया, अरे मार दिया। चमकी तू? अरे मेरे उस्ताद को मार डाला। ये क्या कह रहा है? मैंने क्या पुलिस को बोला? पुलिस को क्या हुआ? क्या हुआ? चमकी मैं जानता हूँ तेरी चाल है, जल्दी से उठ जा। पिटवाएगी क्या? हाँ क्या? रुको रुको, मार को मारना, पहले से टैक्सी में डालकर जल्दी से अस्पताल ले चलो, ले चलो। अरे पुलिस को बुला, अभी तक पुलिस नहीं आई है। हुआ क्या? अरे जल्दी भागो यहाँ से, मैं अस्पताल में फोन करता हूँ। जल्दी से निकल जाओ राजू भैया। अस्पताल पहुंचेगी तो जान तो बच जाएगी उसकी। आखिर हुआ क्या? पुलिस को बुलाऊं मैं? अच्छा पिटवाएगी मुझे? ठहर कोने तक पहुँचने दे, अच्छा मजा चखाऊंगा तुझे। चल चल बहुत नाटक हो गया, निकलती है। अरे आ गई।
तो मैं ले चलू तुझे सोने में कहीं बत्ती जले बुझे तू भी कमी कर क्यों रे टिंगो मेरी भांजी किधर है भांजी अभी बुलाता उस्ताद आई मौसी अरे भांजे दीनानाथ के घर से क्यों ले आया हाँ मामा जी मैंने तुझे नौकरी पर रखा मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ हाँ मामा जी क्या हाँ मामा जी मामा जी आपके पास अच्छी क्वालिटी का पापड़ होगा भांजी सबसे अच्छे पापड़ लिज्जत पापड़ मूंग पंजाबी स्पेशल गार्लिक चिल्ली कौन सा दो लिज्जत पापड़ की इतनी वैरायटी सभी दे दीजिए भाजे ले डाल दे सौ रुपया ले जा ले जा तेरा इंतजार कौन है बे क्या कर रहा है अंधा क्या अरे क्या करता है छोटा नहीं तो मैं तेरा टायर पंचर कर दूंगा अरे ये क्या मैं तो मारुति समझाता ये तो ट्रक निकले कौन है भाई रक्षा मंडल का कैशियर इसे गुंडे और बदमाशों से बचाने की तनख्वाह लेते हैं 200 रुपए निकाल कैश अरे भाई यहाँ तो बीड़ी तक पीने के पैसे नहीं है मैं मालिक नहीं असिस्टेंट हूँ असिस्टेंट तो मेरा भी असिस्टेंट ही वसूल करेगा मालिक मैं हूं मुझसे बात करो नया पंछी है उस्ताद अरे पंख भी कटा हुआ है जानता है हम कौन है रक्षा मंडल हफ्ता वसूल करने आते हो तो फिर देखता क्या है निकाल हफ्ता हफ्ता चाहिए आपको ये इस हफ्ते का ये अगले हफ्ते का ये तीसरे हफ्ते का ये चौथा हफ्ता
ये पांचवा हफ्ता। अरे कमीनों भागते कहाँ हो? अभी तो सिर्फ पांच हफ्ते हुए हैं, साल में 52 हफ्ते होते हैं। आराम खोर, क्या बात है उस्ताद, अब इधर आने का नाम भी नहीं लेंगे साले। अरे क्या कह रहे हो बैटरी भैये, वो लोग जरूर आएंगे। यशवंत भाई, बारूद के ढेर में चिंगारी डाल दी, अब वो लोग पूरी तैयारी करके आएंगे। आने दो, डरता कौन है? तुम क्यों डरोगे, तुम्हारा है ही कौन, न बीवी न बच्चे। हम तो बाल बच्चेदार आदमी है, तुम्हारे किए की सजा हमको भुगतना पड़ेगी। वो हमारे बच्चों को अनाथ कर देंगे और हमारी औरतों को विधवा। कमाने वाला चला गया तो खिलाएगा कौन, तू? अरे फौजी करतब कहीं और दिखाना, बड़ा बहादुर बड़ा फिरता है, अपाहिज कहीं का। अपाहिज तुम लोग हो, तुम्हारे शरीर पर फालिज पड़ी हुई है, हाथ उठ नहीं सकते, पांव चल नहीं सकते, आंखें हैं मगर फूटी हुई, जबान है मगर आवाज नहीं निकलती, चंद गुंडे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं मगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारी औरतों की इज्जत खराब करके चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारे सुख चैन के घरों में आग लगाकर चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग तुम का जवाब बुजदिली से देते हो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी ताकत तुम्हारी इज्जत सब मर चुकी है। तुम लोग अपने आप को जिंदा कहते हो, तुम लोग तो मुर्दे हो, अरे तुम लोग तो सड़ी हुई लाशें हो। अब आएंगे पीटर और उसके आदमी, सारी हेगड़ी निकल जाएगी। चुप रहो, क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब तुम्हें उठने की इच्छा भी नहीं? जसवंत जी ठीक कह रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर बनाए गए हैं। हम अपने दिल से डर निकाल दें और मिलकर मुकाबला करें तो ये 20-25 गुंडे हमसे डरकर भाग जाएंगे, शांति नगर में वाकई शांति हो जाएगी। अरे चलो भाई चलो 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 चलो, बात आइए का। नगर का लोग, तुम अपन को अच्छी तरह से जानता है, पीटर गोंसाल्वेस, रक्षा मंडल का सुपरवाइजर। तुमको मालूम है आज बाहर शहर में क्या हो रहा है? दंगा फसाद, खून खराबा, चोरी, डाका, मगर इधर इधर कोई लफड़ा नहीं है। किसी साले का हिम्मत नहीं है शांति नगर की तरफ आंख उठाकर देखने का, उसकी वजह है हम, रक्षा मंडल। और इस सेवा के लिए अगर हम तुमसे थोड़ा सा कीमत वसूल करता है तो यह हमारा हक बनता है। हमारा तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अगर अब उनके बीच में यह तीसरा पार्टी कौन आ गया, हाँ सुना है वो कोई फौजी है? वो साला अपना किस्मत खराब करता है हमारा बीच में आके, साला चूहा के माफिक अपना बिल में क्यों छुपता है? अपने नहीं जसवंत भाई, बड़ा सूरमा समझता है, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो साला डरता क्यों है? अरे बाहर निकल वरना हम इस बस्ती को आग लगा देगा। पीटर, मैं आ गया हूं। तुम है, तुम गड्ढा पिल्ला, साला एक हाथ लेकर हेकड़ी मारता है। कल तुम्हारे दो आदमी इस हाथ से मिल चुके हैं, आज तुम्हारा भी इससे परिचय हो जाए। बहुत भौंकता है, तुम जैसा कुत्ता का तुम में फटाका बांधकर हम साला गलियों में दौड़ता है। पीटर, ये जिस्म देश के दुश्मनों की गोलियां हजम कर गया,
तू तो सिर्फ गालियां लेकर आया है, इससे क्या होगा? ऐसा क्या? मैं इस साले को जुबान काट डालेगा और जो सर उठाएगा उसका सर तोड़ देगा। मेरे बच्चे, मम्मी आप तो ठीक है ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटे? नहीं अंकल। बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो। जसवंत जी, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? उनसे क्या हमदर्दी जो खुद मर रहे हैं, मर मर कर जीना चाहते हैं? तो क्या मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं सीमा? बाहर से जिंदा और अंदर से मरा हुआ। मगर आप अकेले और वो सब? मैं डर डर के जीना नहीं चाहता सीमा। मैं किसी को पैसे देकर अपनी सांसें नहीं खरीदना चाहता। मांगेगी जिंदगी का मतलब होगा मेरी आवाज, मेरी नजर, मेरे कदम, मेरे अपने नहीं पराए हैं। मैं जुर्म की रस्सियों से अपने आप को बांध लूं, फिर भी रख लूं अपने आप को, वो मेरे पांव में जंजीरें डालकर मुझे जिस तरह चाहे ले चले और मैं चलता जाऊं, जिसमें मेरी मर्जी नहीं, मेरा इरादा नहीं, मेरी खुशी नहीं, ऐसी जिंदगी को मैं एक पल भी नहीं गुजार सकता। मैं बस मोहताज, ऐसा जीना भी कोई जीना है सीमा? अजीब बात है, मेरे पति के भी ख्यालात बिल्कुल आप ही की तरह थे।
आपने मेरे पति किया। राजू तुम, हाँ तुमसे बात कर रहा, तुमसे, तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ तुम भी एक गोश्त पोस्ट के इंसान हो, गोश्त पोस्ट के, कोई लोहे के बने नहीं। क्या साबित करना चाहते हो कि तुम भी एक महात्मा हो? हाँ राजू तूने पी रखी? हाँ हाँ मैंने पी रखी, पहले से पूछो मेरे मोहल्ले में क्यों अपनी बहादुरी दिखाने, हम सबको नीचा दिखाने, क्यों तुम्हारे जैसे और कोई नहीं, हम सब डरपोक है क्या? राजू चल मेरे साथ। अरे तुम गलत समझ रहे हो, गलत, बहादुर यहाँ और भी है, और भी, इधर देख, इधर देख, बहादुर और भी है। तुम पप्पू को बचाने के लिए उसे लिपट गए और मैं वहां खड़ा देखता रहा, क्या ये बहादुरी नहीं? राजू तुम मार खाते गए और मैं इन्हीं आंखों से तमाशा देखता गया, अपनी जगह से हिला तक भी नहीं, क्या ये कम बहादुरी है? एक बेचार लाश की तरह देखता गया, क्या ये कम बहादुरी है? किसी को तो हिम्मत कहते हैं, हिम्मत। राजू वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जसवंत भाई इसमें एक फर्क है, टायर सामने से तुमको मारता नहीं, वो लोग बहुत मारते हैं। क्या मतलब? राजदान ने ठीक कहा है। राजू तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मत भूलो कि वो लोग पेशेवर बदमाश हैं, हजारों पैंतरे जानते हैं, तुम उनके सामने जाओगे ना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये नहीं, इसके दो तीन टुकड़े ही मिल जाए बहुत है अपने लिए। बस जसवंत भाई आप खामखा चिंता करते हैं, उन हरामजादों को आने तो दीजिए, फिर देखना मुझे। तुम क्या समझते हो तुम उनका मुकाबला कर लोगे? बिल्कुल, अकेले ही बैंड बजा दूंगा। ठीक है चलो, आप पहले मुझे मारो। क्या? हाँ मारो मुझे। ये क्या मजाक है, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये क्या? हाँ मारो मुझे। मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते। जसवंत भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ। उस दिल आदमी सबकी इज्जत करता है। देखो बहुत हो गया। राजू मैंने कहा मार। और नहीं। अरे जा बे। आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे बाप रे। अरे राजू आओ। लगी तो नहीं? मजा आ गया, अब की बार इसे मेरी तरफ फेंकी है। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला सबक, लड़ो मगर ठंडे दिमाग से, गुस्से पर काबू रख, अपने से हार गए तो दुश्मन से हार गए, समझा? चल लड़के में दम है। अरे राजू राजू हाँ, बड़ा दर्द हो रहा है दीदी, आहिस्ता
आहिस्ता जिस्म का एक एक पुर्जा अलग हो गया है। एक अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को जमीन पे लेटा दिया, उठने का कोई चांस भी नहीं। हाय, बड़ा दर्द हो रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि फौजी लोगों का काम है जान लेना, और ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा मुझे, देख लेना। हाय, बड़ा दर्द हो रहा। हाय, हाय, हाय। एक तरह से ठीक भी है, अच्छा होगा कि मैं चला जाऊं। कम से कम चमकी से तो जान छूट जाएगी, वो भी किसी मौत से कम नहीं। हाय, ये क्या हुआ? ये कड़वा कड़वा दर्द मीठा मीठा लगने लगा? ये किस अंदाज से दबा रही है तू मुझे? सारे पुर्जे एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। हाय, बड़ा मजा आ रहा है। तुझसे ज्यादा मजा तो मुझे आ रहा है। तू मेरे छूने से ही तूने मुझे पहचान लिया, अब बनता क्यों है? देख चमकी, ये अच्छा नहीं होगा। हाँ? बाद में सब अच्छा लगेगा। ये तू क्या कर रही है? मालिश। गुड, एक्सेलेंट। बंदूक की आवाज से बड़े बड़ों का निशाना हिल जाता है। इस बहरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आ, 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 आ। इसके बिना कोशिश करो। आइए। थैंक यू सिंह साहब। इट्स ऑल राइट। आपने ट्रेनिंग और बंदूकें देकर हम लोगों की बड़ी सहायता की है। कैप्टन साहब, आप तो फौज में रह चुके हैं, आप तो समझते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पुलिस का ही नहीं हर शहरी का फर्ज है। पर देखिए ना, यहाँ तो रक्षा मंडल के बारे में पब्लिक की तरफ से कोई सबूत, कोई गवाही नहीं मिल रही हमें। सर, मैं इसी कोशिश में हूँ कि लोगों के दिलों से डर और खौफ निकल जाए। पुलिस आपके साथ है, हम आपकी मदद करने को हर वक्त तैयार हैं। पब्लिक की मदद अगर हमें मिल गई तो रक्षा मंडल का नाम सुनने में नहीं आएगा। रक्षा मंडल के सरदार का नाम अभी नहीं चल सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। रक्षा मंडल के सरदार का दाहिना हाथ इस अखबार की नजर में आ चुका है, उसका नाम है। आगे पढ़ो। सर, आपका नाम छपा है, जयचंद खुराना। इस पत्रकार राजान के कहने पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन बॉम्बे की पुलिस नहीं, रक्षा मंडल की पुलिस। नीचे उतरो। क्या बात है इंस्पेक्टर, लाइट तो जल रही है और मैं रॉन्ग साइड भी नहीं हूँ, मेरा जुर्म क्या है, किस लिए रोक रहे हैं आप मुझे? हाँ। रिपोर्टर, नहीं रुकना, नहीं नहीं नहीं। ओह ओह, हाँ, अब यहाँ क्यों आकर रुक गई? अपनी ही मनमानी करती रहती है ना, नॉटी गर्ल, परेशान करती रहती। अबे कौन है वे? अरे कोई है क्या? हाँ, अरे हवलदार साहब, थानेदार साहब, सॉलिड किस्मत है आपकी, जरा मेहरबानी करके धक्का मार सकते हैं? वो क्या है ना कि धक्का मार के ही आजकल आदमी आगे बढ़ता है। हाँ। क्या ख्याल है? चलो। अरे ये हुई ना बात, आइए आइए। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि बॉम्बे की पुलिस हर वक्त हर समय हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार रहती है। अब देखो ना, आपने धक्का मारना शुरू किया, हाथ लगा और मेरी रानी चल पड़ी। ये लीजिए चाय पानी। हमें कुछ नहीं चाहिए, भागे से। चल चल निकल जा। ठीक है, आपका नुकसान।
मैं तो हमेशा कहता हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं, कि इस कलयुग में लोग चाय पानी ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ा है इधर। फिर जो देख, साला फौजी आया है अपना फौज लेकर। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई मानता ही नहीं, कि अपनी मौत को सामने देखकर जो हंसे वो या तो बहुत बहादुर होता या तो वो कोई बेवकूफ होता। मुझे तो यहाँ पर कोई बहादुर दिखाई नहीं देता भाई। तुम्हारा मतलब है कि ये सब के सब बोलने का नहीं, लेकिन हाँ हड्डियां दोनों सालों की। रक्षा मंडल का सुपरवाइजर जो खुद अपनी रक्षा न कर सका। जयचंद, तू मेरे को एक चांस और दे, मैं उसका चांस देने वाला मैं कौन होता हूँ? अब तुम्हें माफ करना या तुम्हारी जान लेना, ये तनेजा साहब के हाथ में है। तनेजा तनेजा साहब, मिस्टर सक्सेना, वेलकम। आई एम सो सॉरी आपको मेरी इस नई बिल्डिंग के साइड पे बुलाना पड़ा। क्या करता, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, दिन तो बढ़ा नहीं सकता, आदमी छोटे कर देता। ये आपके पैसे मिस्टर तनेजा। गुड। सक्सेना साहब, इसमें सिर्फ $5,00,000 है। आपने बंबई के पॉश एरिया वार्डन रोड में शॉपिंग सेंटर खोला, जिसके लिए हमारी कमीशन $10,00,000 होती है। सॉरी मिस्टर तनेजा, मैं आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, और आप भूलिए मत, मेरी भी पहुंच दिल्ली तक है। अच्छा, तो दिल्ली तक आपकी पहुंच है? सक्सेना साहब, मैं पैसे और मौत को हमेशा एक ही तराजू में तोलता हूं। आप देख रहे हैं कि किस तेजी से हम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इन पैसों का वजन बहुत हल्का है। जब तराजू में पैसे का पलड़ा हल्का हो जाता है, तब मौत का पलड़ा भारी हो जाता है। सक्सेना साहब, गुड बाय। यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष राज्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार बंबई के जाने माने बिजनेसमैन श्री G.L. सक्सेना की लाश आज दिल्ली के रिंग रोड पर पाई गई। जांच पड़ताल जारी है। क्रिकेट, आज वेस्टइंडीज ने प्रथम पारी में अपने
पहले दिन के खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 403 रन। तो हमारे रक्षा मंडल का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया गया। यस, और पीटर कुछ नहीं कर पाया। यस, अगर आप कहें तो पीटर का अंतिम संस्कार करवा दो। और साथ में अपनी चिता भी जला दो। तुम क्या करते रहे? क्या तुम्हारा काम यही है कि तुम मुझे खबरें देते रहो? आज अगर शांति नगर हमारे हाथ से निकल गया तो कल सारा बंबई शहर हमारे हाथ से निकल जाएगा। बास्टर्ड्स, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। थैंक यू सर। पीटर से कह देता हूं कि वो आप नहीं, ये पीटर के बस की बात नहीं। ये काम उस आदमी का है जो खुद एक आग है, एक शोला है, राका। मुझे जागरण चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? Thank you.
से तेरे जाऊंगा कहां, दीवाना तेरा यार हूं मैं, पत्थर हूं मगर है जाने जहां, दिल भर के लिए दिलदार हूं मैं, और चाहूं तो फिर दुनिया के लिए एक चलती हुई इंस्पेक्टर यहाँ तो तुम भी शौक फरमाने लगे क्या? जेल में मजाक करने का वक्त बहुत मिल जाएगा राका। पहले ये बताओ आज रात 10:30 बजे तुम कहाँ थे? रात के 10:30 बजे जहाँ हर शरीफ आदमी होता है, कोठे पर। कोठे पर तो तुम जैसे मुजरिम पना लेते हैं जागरण का खून करने के बाद। कमाल है इंस्पेक्टर, बंबई शहर में जब भी कोई खून होता है, लूटमार होती है, तो पुलिस वालों को सिर्फ दो ही अक्षर याद आते हैं, राका। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, राका के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह आज तक पैदा नहीं हुआ। सबूत तो खुद चलकर हमारे पास आ गया है राका। ये सिगरेट केस लाश के पास पाया गया, इस पर आर लिखा हुआ है और तुम्हारा नाम राका है। खून तो तुमने किया इंस्पेक्टर, इस पर आर लिखा हुआ है और तुम्हारा नाम राकेश कुमार है। वही पिस्तौल, वही जिंदगी और मौत का खेल, वही चौथे खाने में गोली जिस पर सिर्फ सामने वाले आदमी का नाम लिखा होता है। क्यों राका, ये दरिंदगी, ये खून में डूबी हुई जिंदगी क्यों, क्यों? ये निशान जागरण ने डाला है और मैंने उसका निशान मिटा दिया। जिस किसी ने तुम्हारे जिस्म पर निशान डाले, मैं उसी के खून से उन धब्बों को धोता जाऊंगा, समझी? समझना तुम्हें मेरा पेशा क्या है? ये कोठा, नाच गाना, इस कमाई के सिक्के में ये सब होगा और होता रहेगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मेरे साथ चलो, इस नर्क से निकल जाओ। अपने नर्क से निकलकर मैं तुम्हारे नर्क में आ जाऊं जो मेरे नर्क से भी ज्यादा भयानक है, बदनामियों के कीचड़ में धंसा हुआ। कल तुम्हारा बच्चा होगा तो क्या कहूंगी उसे कि उसका बाप कौन है, कातिल, खूनी? तो क्या चाहती हो तुम, ये मार, ये घाव? क्या चाहती हूँ? सिर्फ तुम्हें। जसवंत कुमार, राजू वर्मा, एवी राजस्थान।
जयचंद, तनेजा सेठ का पालतू पिल्ला। ये 50,000 एडवांस और बाकी के 50 काम खत्म हो जाने के बाद तीनों को रास्ते से हटाने की कीमत। राजू, बैटरी। मुझे राका कहते हैं, परेशान नजर आते हो, फौजी हो ना, इसका अंजाम जानते हो, सारा मोहल्ला उड़ जाएगा। देखो ये चिंगारी किस तेजी से बम की तरफ बढ़ रही है, जैसे एक भूखा खाने की तरफ बढ़ता है। इसे अपने शिकार तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हाँ, एक मिनट, दो मिनट, गलत, 24 घंटे। अगर कल के बाद तुम, वो टैक्सी ड्राइवर राजू और वो कलम चलाने वाला राजदान इस मोहल्ले में नजर आए तो फिर ये चिंगारी अपना काम कर दिखाएगी और फिर नजर नहीं आता क्या? इक्का बादशाह रानी इधर है, ज्यादा पी रखी है तूने? हाँ, यही बात है राका उस्ताद। रॉबर्ट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि जुआ खेलते हुए ज्यादा मत पिलाया करो, सारे पत्ते उल्टे नजर आ रहे हैं। जुआ शराब जब घुल मिल जाए तो सब उल्टा नजर आता है। क्या उस्ताद? पैसे उठा। हाँ उस्ताद। क्या बे? अरे अपनी फोटो। ए बिगो, हाँ जी, पढ़ तो पेपर में क्या लिखा है। मशहूर गुंडा राका। अबे ब्रेक क्यों मारता है, आगे पढ़। मशहूर गुंडा राका मारा गया। किस साले में हिम्मत है? हिम्मत ही तो है हमारे पास। तुम ये अखबार कल का है, अभी तक छपा नहीं। अगर शांति नगर में तुमने दोबारा कदम रखा तो कल के अखबार के पहले पन्ने पर तुम्हारी तस्वीर होगी और उसके साथ लिखा होगा राका मारा गया। मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं, बॉलिंग करना आसान है, है? कैच पकड़ना मुश्किल। अब चलो। बैटरी पानी डालो, जल्दी 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 करो, और पानी में क्या जल्दी कर। तुम लोग मेरे मरने की खबर छापने वाले थे ना, छाप दो, देर क्या है।
बट अभी तो तुझे बहुत मारना है। लड़ो मगर ठंडे दिमाग से, गुस्से पर काबू रखकर। अपने से हार गए तो दुश्मन से हार गए। उठ, अभी तो तुझे बहुत मारना है। उठ। अपने हाथों पर भरोसा नहीं रहा तो पिस्तौल निकाल ली। राजा, हम दोनों के बीच कोई तीसरा आए तो उसे उड़ा देना। इनके रंगीन चेहरे की एक रंगीन फोटो हो जाए, क्या ख्याल? हो जाए वेरी गुड। मुस्कुराएंगे नहीं आप? कोई बात नहीं, थैंक यू। राका, मैंने गलत कहा था, कल के अखबार में तुम्हारे मरने की खबर नहीं छपेगी, क्योंकि अगर तुम मर गए तो अखबार पढ़ोगे कैसे? राका, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, आज कह रही। ये जो लोग हैं ये औरों की तरह नहीं है, अलग है। ये जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ये पिस्तौल, चौथे खाने में गोली, इनके लिए नहीं राका, इनको माफ नहीं कर सकते। राका ने ना कभी किसी से दोस्ती की है ना दुश्मनी छोड़ी है। इतने जोर से ठोकरा, पुलिस में नौकरी करता क्या है?
अगर पप्पू को जिंदा देखना चाहते हो तो ज्वाला बिल्डिंग के टेरेस पे आ जाओ। राका। राका, मैं आ गया हूँ। राजू भैया। नहीं। पप्पू। शांति नगर के हीरो, मेरी एक गोली तेरा जिस्म चीर कर रख देगी, मगर नहीं, मैं हमेशा दुश्मन को एक मौका देता हूं। इस पिस्तौल के 6 खानों में सिर्फ एक गोली है। अब मैं भी नहीं जानता कि वो गोली किस खाने में है। ये जिंदगी और मौत का खेल अब तुम मेरे साथ खेलोगे। क्यों, क्या ख्याल है? एक शर्त पर, नतीजा जो भी निकले तुम पप्पू को सही सलामत उसके घर पहुंचा दोगे। पप्पू को मारने के पैसे मुझे नहीं मिल रहे। तुम भी क्या याद करोगे, मैं पहला मौका तुम्हें देता हूं। डर गया? मुझे मारो या पप्पू की जान बचाओ। तुम्हारी जान से पप्पू की जान बहुत कीमती है। अब ये गोली और पिस्तौल का खेल तुम मेरे साथ खेलो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, शिकारी वही है लेकिन शिकार बदल गया है। हाँ, इस बार गोली मैं घुमाऊंगा। गोली कौन से खाने में है न मुझे मालूम है न तुम्हें मालूम है। तुम भी क्या याद रखोगे, पहला मौका तुम्हें दिया। एक मासूम बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे और अब हाथ कांपने लगे। कायर, दूसरा खाना भी खा लिया। अब देखते हैं तीसरे खाने में मेरी मौत है या नहीं, वरना चौथे खाने में तुम्हारी मौत यकीनन है। मैं जानता था कि तुम सीधा खेल कभी नहीं खेलोगे, इसीलिए मैंने पिस्तौल से गोली निकाल ली थी। पप्पू, तू डर मत पप्पू। पप्पू, आजा। राका, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। छोड़िए जसवंत भाई, क्यों अपनी गोली जाया कर रहे हैं, जिंदा रहने दीजिए इसे। कोई हरकत फिर कभी की तो मच्छर की तरह मसल देंगे इसे। हा? तुम इसकी जान लेना चाहते थे और यही तुम्हारी जान बचा रहा है, मगर तुम इतने गिरे हुए हो कि राजू में और तुम में कितना फर्क है तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। चलो
अबे कौन अबे? अबे ठिंगू, ये नई टैक्सी चुरा कर लाया क्या बैंक से लोन लेकर? हाँ ये टैक्सी तुम्हारी है राजू भैया? मेरी? क्या बकता है? क्या बकता है? अरे पागल तो नहीं हो गया? अरे पागल तो नहीं हो गया? ठिंगू तुम मेरा चेला है। ठिंगू तू मेरा चीज मुझसे गद्दारी करता है। राजू की टैक्सी तो कब की उड़ गई? अरे काफी जला दी होगी। यही तो एक नए काम किया उसने जिंदगी में। अरे बरसों की तपस्या के बाद उस चुड़ैल को मेरे रास्ते से निकाला था, फिर इस चलती फिरती मुसीबत को मेरे कमरे में अटका दिया। ठीक ठीक बता, अगर ये टैक्सी मेरी है तो ये आई कहाँ से? हाँ राका तुम्हारे लिए छोड़ गया है। मुझसे कह गया है कि राजू से कह देना मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लो। अरे 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 जल्दी छोड़ दो यार, मैं आगे तो मैं बचाने चाहूंगी। राका, मैं तेरी टैक्सी लौटाने आया हूं। मगर राजू, मैं तुम दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। दोस्ती तुझसे? ये ले अपना तोहफा, अपनी खैरात। एक गाड़ी से अपने गुनाहों की कीमत चुकाना चाहता था, हमें खरीदना चाहता था। रिश्वत दे के सोच रहा था कि तुझसे हम हाथ मिला लेंगे, तेरे खून खराबे में हम तेरा साथ देंगे। अरे साले, हम बिकाव चीज नहीं। राजू हट, लानत है तुझ पर और तेरी जात पर। उठा ले अपना ये कूड़ा करकट, अपने पापों का ये ढेर। एक दिन तू भी इस ढेर की तरह किसी गटर के पास पड़ा होगा बास मारता हुआ। कोई थूकेगा भी नहीं, नाक बंद करके गुजर जाएंगे लोग, समझा? खाली है। खाली है, पकड़ो चलो। वहीं रुक जाओ कैप्टन जसवंत कुमार, तुम राका से नहीं बच सकते। राका, तुम समझते हो तुमने मुझे अपने काबू में कर लिया है? जसवंत कुमार तो फिर जसवंत कुमार है, तुम मेरी परछाई को भी नहीं पकड़ सकते राका, समझे? कैसा उल्लू बनाया। राजू टैक्सी ड्राइवर, तुम राका से टक्कर लेना चाहते थे, अब मौत से टक्कर लो। राका, मैं तुमसे नहीं डरता, चला दे गोली। ये बात है तो फिर भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। लगी तो नहीं बैठे? राका, तू फिर पप्पू के पीछे पड़ गया कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजू, नहीं। हट चमकी, इसे छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बात तो सुन, इसी ने तो पप्पू की जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर। अगर ये ना आता तो पप्पू खत्म हो जाता। तू कहने क्या चाह रही है? मैं ये आपकी पिस्तौल खाली समझ कर ले आई और खेल खेल में मैंने पप्पू पर गोली चला दी। राका एकदम आ गया, गोली उसे भी लग सकती थी, मगर अपनी जान की परवाह न करके उसने पप्पू को बचा लिया। राका, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया राका। राका, राका, मुझसे गलती हो गई, तुम वाकई बदल गए हो। मुझे खुशी होगी कि हम आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं।
तराजू में मौत का पलड़ा अभी तक भारी है केवल चंद। समझ गया तनेजा सेठ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। राका, अब मैं तुम्हारे दुश्मनों का दोस्त बन गया हूं तनेजा सेठ। इन्हें अपने दोस्ती के कांटे पे अटका दिया है मैंने। अब जब चाहूं अपने दुश्मनी के चाकू से इनके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मेरे मीठे मीठे राजू, मैं तुझसे प्यार करती हूं। अगर तूने मेरे प्यार के जवाब में प्यार न दिया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूं। नहीं, दोनों टांगे तोड़ दूं। अरे बाप रे, ये प्रेम पत्र लिख रही हो या पत्थर मार रही हो? क्यों, कुछ गलत लिखा मैंने? गलत? सलीम को अगर अनारकली ऐसा प्रेम पत्र लिखती तो अकबर के बजाय सलीम उसे खुद दीवार में गाड़ देता। बाप रे, फेटेंगे, तू ही कुछ बता। तो सुन, ताज तकी में जो पिक्चर चल रही है ना, उसमें हीरो हीरोइन को प्रेम पत्र लिखता है, तू ऐसा ही लिख दे। हाँ। लिख, मेरी नरम नाजुक लचकती हुई डालियों में महकती हुई चंपा। चंपा? चंपा? लेकिन उसका नाम तो राजू है। तो क्या, चंपा की जगह राजू लिख दे। हाँ। और देख, अब बीच में मत बोलना, ऊपर से ख्यालों की बारिश हो रही है, बस तू लिखती जा। तुम्हारी काली लंबी घनी रेशमी जुल्फों की साए हाय। तुम्हारे मत भरे होंठ ऐसे हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी। हाँ। तुम्हारा लहराता बदन जैसे तूफानों को समेट कर कपड़ों में बांध लिया हो। तुम्हारे पांव बड़े सुंदर हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारना, मैले हो जाएंगे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। उस्ताद, हाँ? उस्ताद वो आ रहा है, उसके हाथ में प्रेम पत्र भी है। चल। अरे शुरू हो जा, शुरू। हाँ, क्यों ठिंगो, कौन सी उड़ाओ? लाल या हरी? वो वाली। अरे वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे कौन है बे? अरे राजू, तू? ये चिट्ठी तूने लिखी? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी है ये चिट्ठी? वो मैं। हाँ हाँ, लिखी है तो क्या हुआ? हाँ लिखी है तो क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोचता हूँ जब तू जेल जाएगी तो तेरी वो मौसी फुलके से पापड़ बन जाएगी। जेल? मगर मैंने क्या किया? ये वासना और सेक्स भरी चिट्ठी लिखना कानूनन जुर्म है, कम से कम 2 साल की तो ठुक जाएगी। 2 साल? राजू भैया, सजा थोड़ी कम नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, ये 2 साल के लिए अंदर चली जाएगी, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी। सुन राजू, अरे फंस गए। उस्ताद मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखनी चाहिए। क्या मुझे फंसा कर कहता है उस्ताद ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखनी चाहिए? तेरी तो। अरे मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। उस्ताद एक और मारो। आ गया आइडिया, उसके पास पकड़वाने के लिए सबूत क्या है? वही चिट्ठी है ना? तो फॉर्मूला नंबर 44। राजू तू? तो फिर वो? चोरी दिन दहाड़े सबके सामने है शंकर भाई। क्या बात है राजू भाई? बात 1000 रुपए की है, अपनी जेब देख। मेरा लिफाफा, मेरे महीने भर की कमाई। अबे उधर क्या, इधर देख, इधर। चोरने कहीं की? क्या हाथ की सफाई है, अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई, वरना ये तो। नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है, मैं वो प्रेम पत्र लेने आई थी राजू, तेरी कसम। क्या बक रही है, तू इसको जानता है? अरे एक चोरनी से मेरा क्या वास्ता है,
इसे तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। देख राजू, झूठ मत बोल, मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत? हाँ। भाई और बहनों सजो देवियों, जल्दी आपके देखो इधर क्या हो रहा, बहुत हो रहा है। क्या कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, चोर नहीं पकड़ी गई। औरत होकर चोरी करती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बदमाश मुझे फंसा रहा है, बदनाम कर रहा है मुझे, मैं कसम खा कर कहती हूँ। टिंगू बता इनको। अरे बाप रे, अरे टिंगू कहाँ भाग रहा है? अरे टिंगू, 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 टिंगू मैं तेरा खून कर दूंगी टिंगू। और सुनो, ये तो खून भी करती है, बड़ी खतरनाक औरत है साहब। हाँ हवलदार साहब, आइए आइए इधर आइए, हम लोग ने फुलन देवी को पकड़ के रखा, आइए। चायला, ये चोरी भी करती है, खून भी करती है, जल्दी से इसे हथकड़ी पहना दो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उसका पीछा करो, जल्दी दौड़ो पकड़ो भागो। मुझको ना पकड़ो, लोगों मुझे जाने दो। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं पूछो ना। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं वो, मिला तू जा कोई। पूछो ना। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं वो, मिला तू जा कोई।
मैं तेरा बच्चा गिरा के छोड़ूंगी। तू क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मैं अपना बच्चा गिरने नहीं दूंगी। इसकी जान लेने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। हरामजादी, मेरी जान लेगी? दवाई लेके आओ। अगली सांस लेना चाहता है तो इसे छोड़ दे। सब ठीक हो जाएगा शबनम। मुझे ले चल राका, हमेशा के लिए ले चल। राका, तेरा बच्चा मेरे पेट में है। सच? मैं बहुत खुश हूँ राका, बहुत खुश हूँ। तूने बदल कर मुझे सब कुछ दे दिया। अब तेरे बच्चे को कोई नहीं कह सकता कि इसका बाप एक बदमाश है, गिरा हुआ इंसान है। तनेजा, हम 3 करोड़ लेने के वास्ते तैयार है। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं मसीना साहब। इस मूर्ति की कीमत हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से 5 करोड़ है, और आपके देश में यह मूर्ति तो आपको हीरो में तोल देगी। चलो 4 करोड़, इससे ज्यादा हम नहीं देगा। कमाल है, इस जंगल में हजारों जानवर होंगे लेकिन मेरे निशाने के सामने कोई आ ही नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है मसीनो, शिकार सामने होता है मगर नजर नहीं आता। क्या ख्याल है? मजाक करना हमारा बैड हैबिट है। 5 करोड़ चाहिए। डन। ओके, गुड। ओके जयचंद। यस। राका से मिलकर कोई ऐसी चाल चलो कि मूर्ति की चोरी की सजा में फौजी का दूसरा हाथ भी कट जाए। सावन में दिवाली, तिजोरी खोलो, कम ऑन, जल्दी करो। क्या हुआ भाई? अरे बाप रे! ये उसी फौजी का आदमी, ले चलो उसे। Oh, my God.
बैटरी? बचाओ बैटरी! चलो जल्दी, तेरी तो जाएगा कहां साले? सर वो टैक्सी ड्राइवर हमारा पीछा कर रहा है, आने दो। Now shoot him! इसे सामने लाओ। नहीं। बैटरी, बैटरी, ए बैटरी, क्या हुआ तुझे यार? राजू, पेट्रोल खत्म हो गया यार। समझने की कोशिश करो राजू, बैटरी तुम्हारे हाथ से निकल चुका था, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उस दरिंदे को हजारों में से पहचान सकता हूँ। उसने चश्मा उतारकर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह थी, बिल्कुल हरी। उसकी भवें सफेद थी, बूढ़े की तरह। हाँ बिल्कुल ठीक, एकदम सफेद। जयचंद, जयचंद, राका ठीक कह रहा है। जयचंद खुराना रक्षा मंडल का सुपरवाइजर है, कोड़ की बीमारी है उसे। वो कहां मिलेगा मुझे बताओ, मैं उस हरामजादे को मार डालूंगा। यही ना, तो उठाओ चाकू और मार डालो उसे और चढ़ जाओ फांसी पर। एक जयचंद को मारोगे तो 10 जयचंद पैदा हो जाएंगे। देखो राजू, हमें सांप को दुम से नहीं पकड़ना, उसका सर कुचलना है। हमें उस जड़ को काट डालना है जहां से ये सब बुराइयां शुरू होती है। और जयचंद सरदार नहीं है, क्यों राजन? हाँ, उसके पीछे तनेजा का हाथ है। तनेजा वही जहरीला नाग जो सबके सामने सब कुछ करता रहता है और किसी को कुछ नजर नहीं आता। राका, तुम तो उन्हीं की तरफ से आए हो, तनेजा के बारे में कुछ तो जानते होगे, कोई ना कोई सबूत तो होगा। जानते तो सब है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कुछ नहीं करता, करवाता है, हर कोई नाचता है कठपुतली की तरह, और हर एक की डोर उसी के हाथ में होती है। लेकिन अब एक डोर हमारे हाथ आ गई है। जयचंद, जयचंद का तो टेबल हर रात बुक रहता है, 10 बजे रूमून क्लब में। जसवंत भाई, बहुत दिनों से क्लब में खाना नहीं खाया, क्या ख्याल है? Excuse me सर, ये टेबल जयचंद साहब के लिए रिजर्व है। सॉरी। कैप्टन जसवंत कुमार, नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। अफसोस इस बात का है कि मैं आपको ज्यादा दिन देख नहीं पाऊंगा। मुझे भी इस बात का अफसोस है, पर घबराइए मत, मैं आपकी अर्थी को कांधा देने
जरूर आ जाऊंगा। मैंने जाल फेंक दिया है, अब सारी मछलियां तुम्हारे हाथ में हैं। जयचंद, अगर तुम शांति नगर के पास नजर आए तो फिर कभी नजर नहीं आओगे, समझे? मैंने जयचंद की जेब में माइक्रोफोन रख दिया है, उसका जो भी प्लान बनेगा हमें स्पीकर के जरिए सब पता चल जाएगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मैंने पहले से वहां टेप रिकॉर्डर छुपा दिया है। क्या? हाँ, उस टेबल पर जो भी बात होगी वो उस टेप रिकॉर्डर में आ जाएगी। यहां तक कि तुमने जो धमकी दी है ना, वो भी रिकॉर्ड हो गई होगी। मैंने जाल फेंक दिया है, अब सारी मछलियां तुम्हारे हाथ में है। मैंने जाल फेंक दिया है, अब सारी मछलियां तुम्हारे हाथ में। क्या हुआ? कुछ नहीं, मगर वो टेप रिकॉर्डर वापस कैसे लाएंगे? राजू और चमकी जिस सफाई से गाते हुए वहां से लेके आएंगे ना, तुम देखते रह जाओगे। घाटी पे कल 11 बजे मूर्ति का सौदा, निशान इस ताले की चाबी। चिंगारिया हसीन आंखों की, ऐ मेरी शमा किसे जलाएंगी आज? चिंगारिया हसीन आंखों की, ऐ मेरी शमा किसे जलाएंगी आज? पल में खफा कभी पल में मगन,
बचोगे मेरी नजर से, देखो ना जान मन भरे हैं चुनावों की शाम, कैसे बचोगे मेरी नजर से, देखो ना जान मन भरे हैं चुनावों की शाम। प्लान मालूम हो गया, कैसे निकल चले? टेप रिकॉर्डर लेना बहुत जरूरी है, जयचंद के हाथ लग गया तो वो अपना प्लान बदल देगा। रिकॉर्डर कहां गया? उस ताले की चाबी को मिलना बहुत जरूरी है, एक बार वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो गैंग वाले हमें मूर्ति के खरीदार समझेंगे और हम उनके सरदार तक पहुंच सकेंगे। बोल की बोट आ रही है। इतना वक्त और लगेगा, अभी 15 मिनट बाकी है मंगल। तेरे पास तो चाबी हो ही नहीं सकती काले, चल नंबर दो। तू भी काला? आई ये क्या, सबके सब काले? मैं हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि घोड़ों के रंग अलग अलग होते हैं, गधों का एक ही रंग होता है, है कि नहीं? आई चाबी। जसन भाई चाबी मिल गई? हाँ हाँ गुड। और ये रहे मूर्ति के लिए पैसे, पकड़ ले सर। अरे वाह, मूर्ति के साथ अगर उनका सरदार भी मिल जाए तो कानून से बचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेट्स गो। चलो आप लोग चलिए, मैं इन लोगों की रसिया चेक करके। और सुनो, आते वक्त दो पैसों का बैग भी ले आना। ठीक है। माल बोर्ड पे है। गुड। सर अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक निकली। ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम? PID बंगलिंग के चार्ज में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। What nonsense? हम लोग कानून की मदद कर रहे हैं। जसवंत भाई मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं। जोशी ले जाओ। ठहरिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने महालक्ष्मी मूर्ति के बारे में सुना है? क्या मतलब? जिन लोगों के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, महालक्ष्मी मूर्ति की चोरी के पीछे उन्हीं का हाथ है। और इसका सबूत बोर्ड पर है।
राका, राका, ये राका कहाँ? बोर्ड पर कोई नहीं है सर, सिर्फ ये बैग मिला। साहब इस बैग में 5 करोड़ रुपए मूर्ति के सौदे के लिए। माली, लगता है बैग के अंदर कुछ छुपाया हुआ। मुलजिम जसवंत कुमार और राजू वर्मा सोने की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, लिहाजा ये अदालत इन दोनों मुलजिमों को 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा देती है। हमें फंसाने के लिए जो पैसे तुम्हें मिले हैं उससे चंदन की लकड़ियां खरीद लेना अपनी चिता के लिए। नहीं राजू, नहीं, ये तो अपना दोस्त है, हम तो इसकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ मांगेंगे। हमारी सजा तो 2 साल में खत्म हो जाएगी, पर हम इसे उम्र भर की सजा देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा मारेंगे पर मरने नहीं देंगे। हमारा दोस्त है ना। राका ने ना कभी किसी के साथ दोस्ती की है ना दुश्मनी छोड़ी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आपका जिनीवा अकाउंट में जमा कर दिया। थैंक यू मसीना। अब वो बच नहीं सकता, इसे पुलिस को दे दो। दे दूंगा, अखबारों में छपने के बाद तनेजा के खिलाफ इस फाइल में सारे सबूत बनते। और जसवंत भाई, जैसे ये फाइल खुलेगी तुम लोग जेल से बाहर होगे और पुलिस की छुरी तनेजा की गर्दन पर होगी। घर चले डैडी? अभी चलते हैं बेटे। ओके। हाँ आरती, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। हाँ आर्टिकल तो तैयार हो गया। आर्टिकल नहीं, यूं समझो तनेजा के लिए फांसी का फंदा है। आजा बप्पू, मार लो बच्चे को। सारा नशा खराब कर दिया बेटा दिया सर। Thank you.
ये पत्थर मेरी माँ ने दिया था, इससे कुछ करो, ये जादू का पत्थर है। जादू का पत्थर? बच्चों, आजकल जादू सिर्फ पैसे का होता है, पैसे का। पैसे? पैसा ला और हम तेरे साथ चलेंगे। हाँ, मेरे पास पैसे हैं, इतना बड़ा हाथी है ना, उसमें बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं भी लाता हूँ, यहाँ से जाना मत, मैं भी लाता हूँ। ऊपर निकल गया, तुम लोग सीढ़ियों से आओ, कम ऑन, हरी अप। तुम्हारी प्यास तो खून पीकर ही बुझती है ना। इंसान के खून की पहली धार का नशा, ये नशा तो कुछ और ही होता है। क्या ख्याल है? क्या बात है? बुरा लगा? तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम्हारा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है बड़ा होकर तुम्हारी तरह बने। तो ऐसा करो, थोड़ा सा खून मुझे भी पिला दो ताकि पैदा होने से पहले उसके मुंह में खून लग जाए, उसे खून पीने की आदत पड़ जाए, और जब बड़ा होकर वो चाकू लेकर बाहर निकले तो लोग डर कर दरवाजे बंद कर ले। वो देखो राका का बेटा जा रहा है, गुंडा, बदमाश, खूनी। Thank you.
बंदे भेड़िए, अब तू क्या लेने आया है यहाँ? मेरे पति के खून से अपनी प्यास बुझाने, मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाने? तेरे सामने अपने आंसुओं की एक बूंद भी नहीं गिराऊंगी मैं। मेरे पति आज भी जिंदा है, मुझ में, पप्पू में, बस्ती के एक एक इंसान में, और तू, तू तो कब का मर चुका है अंदर से। अब कितनों का सुहाग उजाड़ेगा तू, कितने बच्चों को अनाथ बनाएगा? मौत का सौदागर है तू, मौत के सिवा तू दे ही क्या सकता है? मौत के सिवा तेरे पास है ही क्या? अंकल, मैं दोस्त हूँ ना, बहुत अच्छे दोस्त, मैं जो मांगू तुम दोगे ना? ना नहीं कहोगे ना? नहीं पप्पू, कभी नहीं, सब कुछ दूंगा, मांग बेटे मांग। मेरी माँ कहती है कि आप मेरे डैडी को ले गए, मेरे डैडी को वापस कर दो अंकल। अंकल तुम्हें पैसे चाहिए ना? इस हाथ में बहुत पैसे हैं, सब ले लो, मत कर, मेरी डैडी को वापस कर दो अंकल। मुझे मेरी डैडी चाहिए, मुझे मेरी डैडी चाहिए अंकल, मुझे मेरी डैडी चाहिए, मेरी डैडी चाहिए, मुझे मेरी डैडी चाहिए, मुझे मेरी डैडी चाहिए। शबनम, शबनम, क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ उसे? उसने बच्चा गिराने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, बच्चा बच गया। मगर शबनम कैसी है, ठीक है ना? मेडिकली तो ठीक है, मगर समझ में नहीं आ रहा है उसकी हालत बिगड़ती क्यों जा रही है। साफ साफ बताइए डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? मालूम होता है उसके दिमाग पर कोई गहरा सदमा पहुंचा है। इतना बड़ा कदम उठाने का मतलब यही है, ना वो खुद जीना चाहती है और ना कोई अपनी निशानी छोड़ जाना चाहती है। तुमने क्या किया शबनम? सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, तुमने अपने आप को सजा दे दी। तू यही चाहती थी ना कि मैं पाप और जिल्लत की जिंदगी छोड़ दूं? छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया शबनम। मैं तेरी कसम खा के कहता हूं शबनम कि मेरा बेटा एक खूनी का बेटा नहीं कहलाएगा, वो इंसान बनके जिएगा, अपने मां बाप का नाम रोशन करेगा। मैं तुझसे वादा करता हूं शब। चंबी, अगर तू चली गई ना तो सारे सपने टूट जाएंगे, भटक जाऊंगा मैं इस दुनिया में, अकेला रह जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जा शंभी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे,
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इसमें लिखा है कि काली घाटी के सोने के स्मगलिंग में हाथ था तुम्हारा और तुम्हारे पालतू कुत्तों का। मुझे तुम्हारा साइन चाहिए मंगल। जसवंत कुमार और राजू वर्मा बेकसूर हैं। राका, तुमने तो कहा था 5 स्मगलर हैं, लेकिन ये तो 4 ही हैं। इंस्पेक्टर, इस बार ना तुम्हें सबूत की जरूरत है ना गवाह की। पांचवा तुम्हारे सामने खड़ा है। जसवंत भैया जिंदाबाद, जसवंत भैया जिंदाबाद, राजू भैया राजू भैया। लो, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर जाता तो रोती है, बाहर आता हूँ तो भी रोती है। राजू अरे रुको रुको, बताओ इंस्पेक्टर। यस, एक मिनट, अकेले में। ओके, आओ मेरे साथ। राका, कोई अपने किए पर पछताए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। जसवंत भाई, मैंने किसी से ना कभी दोस्ती की है ना दुश्मनी छोड़ी है, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं, जब दोस्त के इरादे पक्के तो दुश्मन के छोटे छक्के। जन्मदिन मुबारक हो सर। हैप्पी बर्थडे सर। मुबारक हो सर। विशिंग यू हैप्पी बर्थडे सर। कांग्रेचुलेशन सर। लाइट्स ऑफ। तनेजा साहब, वो लोग जो कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर आपके साये में हुकूमत चला रहे हैं,
वो सब इस जश्न में आए हुए हैं। ओह यस सर। उन सब की तरफ से मां को एक नायाब तोहफा दिया जा रहा है। मुंबई शहर सेठ के काटने का चाकू। बेटा तुमको कौन सा एरिया चाहिए, गेटवे ऑफ इंडिया, वर्ली या नारिमन पॉइंट? सेठ अक्का बंबई आपका जागीर है, इसको क्या देना है ये तो आपका हाथ में है ना। कैंडल से बुझाइए। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। ये क्या होता है? लाइट्स लाइट्स। तनेजा, बंबई शहर को आग लगाना तुम्हारा काम है और आग बुझाना हमारा। अपने बहादुरों से कह दो कि गोली चलाने से पहले जरा ऊपर वाले को भी याद कर ले। मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं कि इन 6 पिस्तौलों में सिर्फ 36 गोलियां हैं और इस एक बंदूक में 200। बड़ी नाइंसाफी है। सब जानते हैं एक दिन मरना है, फिर भी मौत से डरते हैं। अजीब बात है। बहुत दिनों के बाद हम एक बहादुर आदमी से मिल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जन्मदिन के मौके पर तुम जैसे आदमी खाली हाथ जाए। तुम्हें शांति नगर चाहिए। हम तुम्हें शांतिनगर देते हैं। दुश्मन के हाथ से मैं मुंह मीठा नहीं किया करता। वैसे भी तनेजा तुम दे ही क्या सकते हो, बंबई तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे ही आदमी तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं और तुम्हारी हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अब तुम एक कच्ची दीवार की तरह खड़े हो तनेजा, एक ही झटके में गिर जाओगे। जन्मदिन मुबारक हो। कौन है वो गद्दार जो हमारे राज दुश्मनों तक पहुंचा रहा है? तुम सर, मुझे लगता है ये जसवंत कुमार की हवा में चलाई हुई गोली है हमें फूट डालने के लिए। ये सब हमारे आजमाए हुए हैं, हर तरह से वफादार हैं। और तुम जयचंद, क्या तुम और पीटर भी उतने ही वफादार हो? क्या कह रहे हैं सर, हमारा जीना और मरना आप ही के लिए तो है सर। तुम लोगों का जीना तो मैंने देख लिया, रही मरने की बात, पीटर जयचंद पीटर की तलाशी लो। कुछ नहीं है तनेजा साहब। पीटर अब तुम जयचंद की तलाशी लो। ये क्या है तनेजा साहब, मैंने हर कदम पे आपके लिए अपनी जान की बाजी। पीटर तलाशी लो। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे। सेठ माइक्रोफोन। हाँ?
सर, ये सब क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेटे आहिस्ता आहिस्ता तुझे सब समझ में आ जाएगा। हाँ जयचंद, तुम हमारे दुश्मनों को हमारे अंदर की बातें इसके जरिए बताते रहे। जसवंत कुमार, तुम्हारा खेल खत्म। जयचंद की जेब में जो माइक्रोफोन डाला था वो तो तोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी जेब में जो माइक्रोफोन डाला है तनेजा, उसका क्या होगा? तू तो रात भर सोता रहेगा और वो जागता रहेगा। बिलीव मी सर, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है। ये सब उन बदमाशों की चाल है। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये उन लोगों की चाल है, लेकिन तुम उनकी चाल में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बेवकूफ हो, और अगर बेवकूफ नहीं हो तो फिर गद्दार हो, और दोनों की सजा जयचंद एक ही होती है। तनेजा साहब, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ आपका टिकट भी कट जाएगा। चलो, मैंने अपनी जिंदगी का बीमा कर दिया है। वो फाइल, रिपोर्टर राजदान की फाइल, राजदान की फाइल, सारे सबूत बंद हैं, वो मेरे पास है। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो फाइल पुलिस तक पहुंच जाएगी। ये पीटर के चाकू की नाक मेरी तरफ नहीं, आपकी तरफ है। आरामजादे, मैं अपनी मौत को बाद में देख लूंगा, लेकिन इस वक्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई हिलेगा नहीं। आप ठीक है सेठ? नकली गोली से कोई नहीं मरता पीटर। ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि हमने इसे जानबूझ के भागने का मौका दिया। अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दो, ये हरामजादा जरूर फाइल के पास पहुंचेगा। चलो। तनेजा, जयचंद में अब भी जान बाकी है। अरे दरवाजा बंद। सिंह साहब, मैं एक ऐसी फाइल ला रहा हूं जिसमें तनेजा के खिलाफ हर सबूत मौजूद है। आई सी सर, वन मिनट। तेली बाड़ी में दंगा फसाद हो रहा है। कैप्टन साहब, इस वक्त तो मैं बाहर जा रहा हूं, आप ऐसा कीजिए कल सवेरे आ जाइए फाइल लेकर, प्लीज। कल सुबह ये फाइल पुलिस के पास पहुंचने से पहले तनेजा इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। आज रात शांतिनगर में हर तरफ पूरा पैरा रहेगा। तनेजा सेठ, शांतिनगर में एकदम कड़क पैरा लगेला है, हवा भी अंदर जाने को नहीं सकता। हवा अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? पानी, पानी तो जा सकता है। Thank you.
अरे जरा सुनो, ये आग बुझा दो। जरा सुनो, पेट्रोल। जसवंत कुमार, अब इस खिलौने से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। हाँ, तुमने ठीक समझा, उस टैंकर में पानी नहीं, पेट्रोल है। और अब यह पेट्रोल इस बस्ती के हर टैंक में, हर पाइप में, हर घर के नल में, इस बस्ती के कोने कोने में पहुंच गया है। तुम सब सारे के सारे आदमी, औरत, बच्चे इस आग की लपेट में आ गए हो। मेरा एक इशारा, चिंगारी बनकर शांति नगर को जलाकर शमशान बना देगा। अरे ये सब ड्रामेबाजी है जसवंत भाई, इसकी बातों में मत आना। जब बड़े बात करते हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। अभी तुमने हमें देखा ही कहा। ये ड्रामेबाजी नहीं है, चलो बंदूकें फेंको। सीमा, इनसे कहो ये अपने अपने घर चले जाएं। जाइए, आप लोग जाइए। मौसी। जसवंत कुमार, मेरी फाइल मुझे वापस कर दो। मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत करो फौजी, टेलीफोन के सारे तार कट चुके हैं, यहां तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा वक्त और मेरा सब्र खत्म हो रहा है जसवंत कुमार। ठीक है, सारी बस्ती को जला देता हूं, फाइल अपने आप ही जल जाएगी। बेटा, सीमा, फाइल ले आओ। अच्छी फोटो है हमारी। फेंको मशाले, फेंको। राजा, Thank you.
तुम कुछ आदमियों को लेकर छत पर जाओ और पानी करो को। ठीक है। तुम किसी औरत या बच्चे को पकड़ लो, फिर उन सालों को अपने आप को हमारे हवाले करना ही होगा। लगता है ये लोग फैल रहे हैं। राका तुम सामने वाले चाल में जाओ। ओके राजू तुम उसमें जाओ। ठीक है। तू ऊपर जाओ और पानी को रोक, और तुम लोग दरवाजा को तोड़ो और पकड़ लो सबको। कौन डर से मारो। बाहर निकलो जल्दी। शबनम जल्दी से बाहर निकलो। शबनम मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, सबको एक कमरे में ले चलो जल्दी जल्दी। सब जल्दी चलो। मत फौजी तो फौजी गुड बाय फौजी। सुनो जल्दी से बोतलों में पेट्रोल भर लो। कुसुम भाई आप ठीक हो? I'm okay. पेट्रोल ये ले। तुम और बोतल ले आओ। अच्छा। मेरी गोलियां खत्म हो गई। ठीक है तुम मेरे कमरे से ले आओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। ओके। राका तुम लोग ठीक हो ना? मेरे बच्चे को देखा किसी ने? नो। राका बच्चा आप उनके पास है। राका अपन तीन तक गिनती गिनेगा। मेरे बच्चा है। उसके बाद मैं बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। आप ये संभालिए मैं उसे देखता हूँ। ठीक है सब ठीक कर देगा। राका देख राका आप उन मजाक नहीं करता, आगे नहीं बढ़ने का, उधर छोड़ा रहने का, मैं बच्चे को गोली मार देगा, इसका सर मोड़ देगा। रुक जा। हेलो हेलो कैप्टन तनेजा बोल रहा हूँ, फौरन हेलीकॉप्टर शादी रिकॉर्ड ले आओ, कम ऑन हरी अप। बस इतनी सी गोलियां, इससे क्या होगा, ये तो भी खत्म हो जाएगी। पानी भी खत्म हो रहा। दुर्जन तुम्हारी तरफ का पानी खत्म हो गया है, फेंको मशाल।
राका, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। ओके राका, राका। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया शम्भी। अब हमारा बेटा एक अच्छे आदमी का बेटा कहलाएगा। शम्भी मुझे सारा दो। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई शबनम, कुछ भी हो शबनम मुझे गिरने मत देना। राजू, बंद हो चुका है, जला दो इस बस्ती को, जला दो बस्ती को। जलाओगे? ये लो पेट्रोल, अब जलाओ, खुद जलोगे सालो। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। तुम सब लोग पेट्रोल में भीगे हुए हो और राका के निशाने पर हो। एक गोली भी लगी तो भस्म हो जाओगे। फेंक दो। राजू, इन सब को पकड़ लो। हाँ, ए चलो 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 चलो। मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं, लेकिन आज तो सभी मान रहे हैं। क्यों भाई, है कि नहीं? है। सिर्फ एक गोली बाकी है। कैप्टन, गेट रेडी फॉर टेक ऑफ, मैं आ रहा हूं। जसवंत कुमार, तराजू में मौत का पलड़ा भारी हो गया है। भारी तो हो गया है, लेकिन मेरी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ। अच्छा, वेल डन कैप्टन साहब, आप ठीक तो है ना? जी। राका, हम जीत गए जसवंत भाई। सॉरी राका। किस बात के लिए जसवंत भाई? मुझे उठाकर खड़ा आपने तो किया है।
मैं तो मरा हुआ था, जिंदा आप ही ने किया है मुझे। रखा आपकी और राजू की दोस्ती मिली, शबनम का प्यार मिला, मेरी उम्र तो यूं ही खर्च हो रही थी जसवंत भाई, लेकिन इन चार दिनों में मैंने अपनी सारी जिंदगी जमा कर ली। राका एक एहसान और कर दीजिए। बोलो। मेरा बच्चा, उसे उसे राका नहीं कैप्टन जसवंत कुमार बना दीजिए। विजय राय। बच्चे के पिता का नाम? स्वर्गीय राकेश राय। उनका पेशा क्या था जी? मेरा मतलब है वो करते क्या थे? प्रिंसिपल साहब, विजय के पिता एक बहादुर सिपाही थे। ओ, आई सी। शबनम, अब हमारा बेटा एक खूनी का बेटा नहीं कहलाएगा, वो इंसान बन के जिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा।